यह है ग्राम बिलासपुर का पटवारी निवास। ये भवन तो है विगत 2 वर्षों से, लेकिन पटवारी महोदय यहाँ उपलब्ध नहीं रहते, जिसके चलते ग्रामवासियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी मजदूरी जाती है, दिन भर का नुकसान होता है और आने जाने में जो समय बर्बाद होता है वो अलग। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं ग्राम निवासियों से कि इन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैकरा जी, ये पटवारी भवन कब से गाँव में? पटवारी भवन सर अब 2 साल लगभग हो गया। पटवारी जी रहते हैं इसमें? पटवारी जी रहते हैं, हम लोग अनुसूचित चाहे कोई भी काम पड़ता है तो हम लोग बतौर जाना पड़ता है, चाहे सीतापुर जाना पड़ता है, अंबिकापुर जाना पड़ता है। शासकीय भवन बना है सरकारी का, तो इसमें पटवारी जी को रहना चाहिए, वो ये गांव का काम होना चाहिए, लेकिन पटवारी जी खुद नहीं रहते हैं घर में और बोलते हैं शांतिपारा जाना चाहे 500 रुपये दो, तो 500 रुपये हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे। तो देवनाथ जी, ये जो ग्राम पंचायत बिलासपुर बतौली का जो पटवारी भवन है इस गाँव का, यहाँ पटवारी साहब रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो नहीं रहते हैं तो फिर आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? तो हम लोग को जाना पड़ता है पटवारी के पीछे में, कौन दिन रहते हैं कौन दिन नहीं रहते हैं। कितने दूर जाना पड़ता है? 7-8 किलोमीटर। तो पटवारी साहब यहाँ रहते हैं तो ठीक था, क्या कि हम लोग का दिन भर का मजदूरी का नुकसान हो जाता है। कम से कम जब तक बना है सर तब तक 1-2 बार आए, इसके बाद तो यहाँ रहवे नहीं करते हैं। हम पटवारी जी यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते हैं। नहीं रहने से क्या नुकसान हो रहा है? हम लोग का परेशानी जाता है सर, और वहाँ जाने आने में हम लोग को, एक तो गरीब आदमी हम लोग मजदूरी करते हैं और फिर दिन भर का हम लोग का मजदूरी भी ख़त्म हो जाता है। एक दिन के तो जा भी करता है, लेकिन कभी 2 दिन भी चले जाता है। ये विडम्बना है कि भवन है लेकिन पटवारी नहीं, कोई उपलब्ध नहीं रहता समय पे, जिसके चलते ग्राम वालों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चाहते हैं कि पटवारी, जब ये निवास बना है शासकीय पैसों से बना है, तो यहाँ आकर के रहें। मैं सरवत नकवी, इंडिया अनहर्ड के लिए सरगुजा छत्तीसगढ़ से।